ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम कर्नाटका फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KFDCL बोलते हैं। पोस्ट नेम फॉरेस्ट वाचर की है। नंबर ऑफ वैकेंसी 43 है, यानी कि इसके अंदर कुल 43 पद निकाले गए हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर पाओगे, ऑफलाइन माध्यम से आप इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते। ऑफिशियल वेबसाइट www.kfdcl.kr.nic.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 4 फरवरी 2019 है, एप्लीकेशन लास्ट डेट 6 मार्च 2019 है, यानी कि 6 फरवरी 2019 से लेकर 6 मार्च 2019 तक आप अपना आवेदन कर सकते हो। जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, ये भर्ती कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। जॉब लोकेशन कर्नाटका, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग कर्नाटका के अंदर होगी। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, अब इसके पहले इसके बारे में वैकेंसी डिटेल में आपको बता देता हूँ कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद है, उसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर कुल 43 पद निकाले गए हैं। इसमें जनरल के लिए 21 पद है और SC के लिए 6 पद है, ST के लिए 1 पद है, OBC के लिए 2 पद है, 2A के लिए 6 पद है, 2B के लिए 2 पद है, 3A के लिए 2 पद है और 3B के लिए 2 पद है, ST अदर्स बैकलॉग के लिए 1 पद है, जो कि कुल मिलाकर के हो जाते हैं 43 पद। तो चलिए, अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, जिनके पास 10वीं पास की योग्यता है, यानी कि जिनके पास 10th क्लास पास है, वो लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए जो मिनिमम योग्यता मांगी गई है वो 10वीं है, जिसको इंग्लिश में मैट्रिकुलेशन और 10th भी बोलते हैं। तो आपके पास 10वीं पास की अगर योग्यता है तो आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। अब देख लेते हैं एज लिमिट को। दोस्तों, इसमें कैटेगरी वाइज एज लिमिट रखी गई है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 साल से लेकर 30 साल के बीच रखी गई है। OBC कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 साल से लेकर 32 साल के बीच रखी गई है और SC ST कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 साल से लेकर 33 साल के बीच में रखी गई है। यानी कि जिन आवेदकों की उम्र 18 साल से लेकर 30 जनरल के लिए और OBC के लिए 18 साल से लेकर 32 और SC ST के लिए 18 साल से लेकर 33 साल के बीच में है, वही लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब देख लेते हैं पे स्केल, यानी कि सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको फॉरेस्ट वाचर पोस्ट के लिए जो सैलरी दी जाएगी वो 18,600 से लेकर 32,600 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी कि अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू आपका हो भी सकता है और नहीं भी। इंटरव्यू के बारे में मैं सोच नहीं हूँ, लेकिन आपका एग्जाम होना तय है। दोस्तों, एक बार फिर से इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं, क्योंकि किसी भर्ती के लिए उसकी डेट से सबसे महत्वपूर्ण होती है। एडवर्टाइजमेंट रिलीज डेट 4 फरवरी 2019 है। स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर KFD फॉरेस्ट वाचर पोस्ट 4 फरवरी 2019 है। लास्ट डेट टू सबमिट KFD रिक्रूटमेंट 2019 एप्लीकेशन फॉर्म 6 मार्च 2019 है। लास्ट डेट टू मेक पेमेंट ऑफ KFD एप्लीकेशन फी 7 मार्च 2019, यानी कि एप्लीकेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 7 मार्च 2019 रखी गई है। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें आवेदन करने का तरीका। दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है KFDCL.kr.nic.in। इसके बाद आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और दोस्तों, उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके उस पेज पर चले जाना, जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है और आपको अपने फॉर्म के अंदर सारी जानकारी भर देनी है जो कि वहां पर मांगी गई हो। साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर के साथ में। इसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फीस भर देनी है, जितनी कि आपसे वहां पर मांगी गई हो। और एप्लीकेशन फीस की जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूं। और दोस्तों, ये सभी जानकारी भरने के बाद आपने जो डिटेल्स भरी है वो एक बार से आपको फिर से चेक कर लेनी है कि कहीं पर आपके द्वारा कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको उसको वहीं के वहीं क्लियर कर लेना है और उसके बाद ही आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक फोटो कॉपी जरूर ले लें, जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगी। तो चलिए, अब जान लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। दोस्तों, कैटेगरी वाइज मैं आपको बता देता हूँ। जनरल फर्स्ट एड
2A, 2B, 3A, 3B कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट ₹100 है और साथ ही प्लस ₹20 आपका चार्ज लगेगा, यानी कि आपको कुल ₹120 चार्ज देना होगा आवेदन करने के लिए। और SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस ₹50 है, प्लस ₹20 का आपका जो प्रोसेसिंग फी है वो लगेगी, तो आपको कुल ₹70 एप्लीकेशन फीस देनी होगी इसमें आवेदन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है या रीड करना है तो आप डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली उस पेज पर चले जाओगे जहाँ पर आपको अपना फॉर्म भरना है और आप अपना फॉर्म बहुत ही आसानी से भर पाओगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आई फॉर्म भरने में तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को इस वीडियो के अंदर भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि KFDCL की तरफ से अनाउंस हुआ है और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं कि कब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ है। ये नोटिफिकेशन कन्नड़ लैंग्वेज में है, इसलिए मुझे कन्नड़ लैंग्वेज नहीं आती तो मैं आपको इसके अंदर की जानकारी पढ़ करके बताने में असमर्थ हूँ, लेकिन कुछ जानकारी मैं यहाँ से समझ पा रहा हूँ जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी गई है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 4/2/2019, 6 मार्च 2019 शाम 4 बजे तक, तो यहाँ पर आप ये जानकारी देख सकते हो। और अगर आपको एक एक करके संपूर्ण जानकारी चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस एक बार इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड जरूर कर ले, यहाँ पर इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल भी दी गई है। दोस्तों, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर सभी प्रकार की जानकारी दी गई है जो कि आप इस भर्ती के बारे में जानना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप अप्लाई करने से पहले एक बार इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड जरूर कर ले। इसके अंदर एग्जाम पैटर्न भी बताया गया कि कैसे किस तरह का आपका एग्जाम होने वाला है और भी अन्य जानकारी इसके अंदर बताई है, जैसे कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा या नहीं, और जो अभी आपका जो इसमें जानकारी दी गई है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा तो आप यहाँ पर ये जानकारी देख सकते हो, और आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा या नहीं उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है जितना कि मैं समझ पा रहा हूँ। तो आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार रीड जरूर करें और आराम से देखें कि फिजिकल मेजरमेंट कितना है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कितना है और फिजिकल इफेंसी टेस्ट कितना है, तो ये सभी जानकारी आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी। तो आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें।